नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और नवंबर 2019 के टॉप 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है इसमें, बिल्कुल डिटेल के साथ हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, अंत तक देखें। ये नवंबर महीने के दो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, इसका पार्ट वन है, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम के से जितने भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय की हम बात करें तो अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है, अमरेश्वर प्रताप शाही वहाँ अभी चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो किसने शपथ दिलाई, राज्यपाल शपथ दिलाए तो बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई, क्लियर है। चलिए अमरेश्वर प्रताप शाही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश के बीच इंदर 2019 त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया गया है, इसका आयोजन 10 से 19 दिसंबर। ये भारत और रूस के बीच पहला अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाएं, ठीक है, हम बात करें आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों सेनाएं इस जिसमें भाग ले, ठीक है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बोलते हैं हम इसको। तो भारत और रशिया के बीच में ये इंदर 2019 इसको नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश में लगभग 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है। तो ये ईरान में, ईरान की कैपिटल वो तेहरान है, वहाँ पर रियाल मुद्रा यूज़ होता है और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। तो ईरान के अंदर जो नया तेल का भंडार मिला है 53 अरब बैरल, ठीक है। सॉरी, महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो थॉमस डेनर रवि जो है वो स्वीडन से हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट वुमेन प्लेयर टू स्कोर 2000 रन इन ODI वनडे के अंदर 2000 रन। तो ये स्मृति मंधाना, इन्होंने महज 51 पारियों के अंदर 2000 रन पूरे की है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो अभी 4 मेडिकल पार्क है, कितने मेडिकल पार्क, 4 कहाँ पर बनेंगे, एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर बनेंगे। इनका जो उद्देश्य रहेगा वो उपचार के लिए उचित कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए है, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाए। चलिए नेक्स्ट है, किस दिन देश भर में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाई गई। तो ये 12 नवंबर गुरु नानक देव जी का जन्म, जो सिखों के पहले गुरु थे, इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। टोटल कितने गुरु हैं, 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा स्टार्ट की थी, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। हाल ही में प्रवीण जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये रिसेंटली प्रवीण जगन्नाथ हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर विच कंट्री, तो ये बने हैं मॉरिशस के। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मुद्रा वहाँ रुपया यूज़ होता है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने असम राइफल का के साथ किसका विलय कर दिया, तो ITBP असम राइफल का ITBP के साथ विलय कर दिया है, मर्ज कर दिया इनको। वर्तमान में असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास रहेगा। जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये दाओस स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व आर्थिक मंच WEF की हम बात करें तो इसका मुख्यालय है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में और WEF की स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने किस कंपनी को हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है।
तो ये किसी ने दी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। निम्न में से किस झील को प्रदूषण के कारण इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये डल झील को किया गया है। डल झील श्रीनगर में है और यह झील लगभग 40% तक सिकुड़ चुकी है, तो इसको क्या है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, हाल ही में नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक विमान का अनावरण किया गया, इस विमान को क्या नाम दिया गया है, तो X-57 मैक्सवेल दिया गया इसको नाम। नासा ने 2020 के अंत तक इस विमान का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है, तो X-57 मैक्सवेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में मोहम्मद रफीक किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये मेघालय हाईकोर्ट के बने हैं। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने इन्हें शपथ दिलाई है। मेघालय के अभी चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, मोहम्मद रफीक, तथागत रॉय वहाँ के गवर्नर हैं। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये होंगे जेयर बोलसेनारो वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। चलिए, 14 नवंबर से 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 कहाँ पर शुरू हुआ, तो ये नई दिल्ली के अंदर। थीम क्या था, थीम 2019 का, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर से भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्राइफ त्रि सेवा अभ्यास शुरू हुआ, तो ये भारत और अमेरिका के बीच। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम काकीनाडा में 21 नवंबर तक किया जाएगा। 14 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एक तो आपको पता है कि चिल्ड्रन डे मनाते हैं, और इसके साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2019। तो इसका जो थीम रहा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, वो द फैमिली एंड डायबिटीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 में SCO के राष्ट्र प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेज़बानी करेगा, तो वो करेगा भारत। भारत को 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रकाश जावड़ेकर को। हैवी इंडस्ट्रियल जो है और पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो हाल ही में अरविंद सावंत ने इस्तीफा देने के बाद ये पद किसको दे दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को दे दिया गया है। ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 100 के पार्ट 1 के 20 क्वेश्चन। ऐसे ही हम इसको 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो, ताकि मैं कंप्लीट 100 का नहीं बनाना, क्योंकि बच्चों को ऐसे लगता है ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, तो आप इन पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड करके इजीली इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉप 20 के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए इसके पार्ट छोटे बनाए जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें करंट अफेयर के साथ साथ, डेली आपको मैं एक जो टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, चाहे आप रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर मैं बात करूं HSSC के जो एग्ज़ाम हैं, अभी जैसे IT इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम होने, इसके बाद जैसे कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, कांस्टेबल, SI सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जनवरी फरवरी तक, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। अभी तक हम 3 टेस्ट कर चुके हैं, हर टेस्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें, और उसकी PDF फाइल है अब वो आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप वो इजीली टेलीग्राम टारगेट विद गोस्वामी पे जाके आप इजीली जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज, जहाँ पर बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, टारगेट विद गोस्वामी से। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं, और इसकी PDF भी आपको है टेलीग्राम पे ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।